40 दिन बाद कब्रिस्तान से निकाला गया युवक का शव। परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। 40 दिन पूर्व 25 मार्च को कैसरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अलहियापुर निवासी शरीफ उर्फ मैनुद्दीन पुत्र इस्माइल 25 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना दिए बगैर ही मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गुहार लगाई है। डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार जरवल विजय कुमार शुक्ला की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज श्रीधर पाठक भारी पुलिस फोर्स के साथ मृतक युवक के गांव पहुंचे। मजिस्ट्रेट विजय शुक्ला की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाकर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। नायब तहसीलदार जरवल विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि डीएम और एसपी के निर्देश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस्माइल है और मेरे बच्चे की हत्या कर गई थी। उसका नाम आसिफ है और आज 10 दिन बाद उसकी कब्र सौ कब्र से निकली गई है। बाकी मास्टर के लिहाज गई है यहाँ से। बाकी न्यायालय के आदेश से जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा कि क्या था हकीकत, हत्या थी या नॉर्मल था सर। वो तो किस्मत ऊपर वाली है, हमारी किस्मत है ऊपर। किस्मत सर ठीक।